हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11th के सिलेबस से कुछ तालों के बारे में जानेंगे, सीखेंगे, उनको याद करेंगे। तो ताल है जिसका नाम है एक ताल। एक ताल का पहले परिचय समझ लेते हैं। यह एक तबले की ताल है और इसमें 12 मात्राएं होती हैं, यानी 12 मात्राओं की ताल है। और 12 मात्राएं 6 विभागों में बटी होती हैं। प्रत्येक विभाग 2 मात्राओं का होता है। इसकी पहली मात्रा 5वीं और 9वीं और 11वीं, यानी पहली, 5वीं, 9वीं, 11वीं मात्राओं पर ताली बजाई जाती है, ताली आती है। और तीसरी तथा 7वीं मात्रा पर खाली को दर्शाया जाता है, खाली होती है। चार ताल में भी 12 मात्राएं होती है, लेकिन दोनों तालों के बोल में अंतर होता है। यानी एक ताल और चार ताल जो है ना, केवल बोल का अंतर है, बाकी सब कुछ खाली, ताली, विभाग, मात्रा एक जैसे हैं। और इसका प्रयोग जो है, एक ताल का प्रयोग, इसका प्रयोग बड़े ख्याल के साथ विलंबित लय में तथा छोटे ख्याल के साथ द्रुत लय में होता है। और वादन में जो है इसका खूब प्रयोग होता है, एकल वादन में, ठीक है, सोलो परफॉर्मेंस में इसका प्रयोग है। तो इसकी जो है एक गुण दुगुण लिखने का तरीका जो है इस प्रकार है, जैसे आपने डायग्राम बनाकर चित्र इस तरीके से, और पहले मात्राएं 1 से 12 तक मात्राएं, उसके बाद नीचे जो इनको विभाग में विभाजित कर दिया है, 6 विभाग में, दो दो मात्राएं प्रत्येक विभाग में रख करके, बोल है धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धिन ना। और उसके बाद इसके चिन्ह है, पहली मात्रा के नीचे जो है सम का निशान और पहली ताली भी है यहाँ पर। उसके बाद 5वीं मात्रा पे दूसरी ताली, 2 नंबर लगा दिया। 9वीं मात्रा पे तीसरी ताली, 3 नंबर, और 11वीं मात्रा पर चौथी ताली, इसलिए 4 नंबर लिखा। और 3 और 7 पर 0 लिखा, क्योंकि यहाँ पर खाली है। और इस ताल की दुगुन इस प्रकार करेंगे, दो दो बोल एक मात्रा के नीचे लिख करके, और जब हम दुगुन करेंगे तो पूरी जो ताल का जो सर्कल है, एक बार जो है 2 बार घूम जाएगा ताल का, जो इसको कहते पहिया। और 12वीं मात्रा जाते जाते ये ताल के बोल 2 बार रिपीट हो जाएंगे। दुगुन का अर्थ ये है, लिखने का तरीका आपके सामने है, दो दो बोल एक एक मात्रा के नीचे, तो 6 मात्रा तक पूरी ताल आ जाएगी। आगे अगली 6 मात्रा में दोबारा से बोल रिपीट हो जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी ताल है वो है कहरवा। कहरवा ताल जो है 8 मात्राएं होती हैं इसमें। इसके 2 विभाग होते हैं, प्रत्येक विभाग में जो 4 मात्राएं होती हैं, यानी 4-4 मात्राओं के 2 विभाग होते हैं, टोटल 8 मात्रा। पहली मात्रा पर ताली और 5वीं मात्रा पर खाली होती है। और यह भी तबले की ताल है, लेकिन इसको ढोलक पर भी बजाया जाता है, किंतु इसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत की अपेक्षा सुगम संगीत, भजन तथा लोकगीत आदि में अधिक होता है। यानी मेनली जो है ये सुगम संगीत की ताल है, यानी फिल्मी संगीत में भी इसका प्रयोग किया जाता है, सुगम संगीत, लोक संगीत सब जगह इसका, और तबले पर भी, ढोलक पर इसका प्रयोग किया जाता है। इस ताल के बोल जो है धा गे ना ती ना के धी ना, 8 मात्राएं, 2 विभाग, और पहली मात्रा के नीचे सम और 5वीं के नीचे खाली। दुगुन लिखने का तरीका इस तरीके से है, दो दो बोल एक मात्रा के नीचे, 8वीं मात्रा तक ताल के बोल 2 बार रिपीट हो जाएंगे और ये दुगुन जो है हो जाएगी। तो ये हमने जो है 2 ताले समझी। इसके अनुसार एक ताल और इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, वो भी आसान सी है, छोटी सी ताल है, दादरा ताल। 6 मात्रा की ताल है तथा 3-3 मात्राओं के 2 विभाग होते हैं। पहली मात्रा पर ताली तथा चौथी मात्रा पर खाली को दर्शाया जाता है। और इसका प्रयोग भी सुगम संगीत, भजन, गज़ल, उपशास्त्रीय संगीत, दादरा शैली के गीतों के साथ, यानी इन सभी चीज़ों के साथ, इन सभी गायन शैलियों के साथ इसका प्रयोग खूब होता है। फिल्मी संगीत में भी, गज़ल, भजन गीत सभी में, तबले पर भी और ढोलक पर इसका प्रयोग होता है। और बोल हैं धा धिन्ना धा तिन्ना, 6 मात्रा, 2 विभाग। पहली के नीचे जो है सम का निशान, पहली ताली भी है यहाँ पर, और चौथी मात्रा के नीचे खाली का निशान, 0। और दुगुन लिखने का तरीका ये आपके सामने है, दो दो बोल एक मात्रा के नीचे। तो इस तरीके से सभी तालों के जो हैं हमें परिचय, एक गुण दुगुण और 4 गुण तक इसको सीखना है। त्रिगुण में 3-3 बोल इकट्ठे होकर के 3 बार रिपीट हो जाएंगे ताल के बोल। चौगुण में 4-4 बोल के ग्रुप बनेंगे, यानी एक मात्रा के नीचे 4 चौगुण। तो पहले इनके एक गुण दुगुण याद करिए, फिर किसी दिन अगर आपको 4 गुण 3 गुण नहीं समझ आती है तो हम फिर से विस्तार से किसी ताल को 1 गुण 2 गुण 3 गुण 4 गुण के बारे में समझाएंगे। तो सभी तालों में सेम प्रोसीजर से 2 गुण 3 गुण 4 गुण होती है। पहले भी मैंने किसी वीडियो में ताल को लेकर के 1 गुण 2 गुण 3 गुण 4 गुण लिखने का तरीका बताया था,
फिर किसी ताल को लेकर के बता देंगे। तरीका वही है, एक ताल में दुगुन तिगुन चार गुना आपको आ गए तो हर ताल में वही तरीका है, वही सिस्टम है। तो ये तालें आप याद करिए। एक क्वेश्चन 6 नंबर का आता है, उसमें 2 तालें आपसे पूछी जाती है अधिकतर, इस प्रकार ये क्वेश्चन आता है। आपके सिलेबस में टोटल 6 तालें हैं, 3 ताल कैरवा दादरा, 1 ताल और सुलताल, 4 ताल, ये सभी ताले आपके सिलेबस में। तो आज 3 तालों के बारे में मैंने समझाया, पहले 2 तालें समझाई थी, जो एक आध ताल बचती है वो मैं किसी और वीडियो में आपको समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।